जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी हियर एंड यू वाचिंग अलवी एसोसिएट्स। अपनी सप्लीमेंट्री की लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है आफ्टर एनुअल सीरीज, आप इस लेक्चर सीरीज़ को एनुअल वाले और सप्ली वाले दोनों हजरात जो हैं वो दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए कॉन्टेक्ट में नंबर पर 03134384159 आपने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अपना नेम बताना है, अपना कॉलेज नेम बताना है, अपना पार्ट बताना है यानी वन और टू, अपना बताना है कि आप एनुअल में हैं या सप्ली में हैं। ठीक है, जो भी है डिटेल सारी लिख के भेज रही हैं। उसके बाद आपके एक प्रोफेशनल कॉल आएगी जो कि एक मिनट की होगी, जिसमें आपको कहानियां नहीं सुनाएंगे और ना ही इतना टाइम होता है, आपसे जनरल जो एक इंटरेक्शन है वो होगा और आफ्टर देन आपको जो है वो एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर्स भी आएंगे, नोट्स भी आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। ठीक है, और अगर कभी कोई डिले होता है रिप्लाई में तो उसके लिए माजरत है क्योंकि रूटीन बहुत बिजी होती है। आज भी मेरे तकरीबन 10 लेक्चर्स हैं, 3 कॉलेज में किए हैं, 5 से 6 ऑनवर्ड्स यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं, तो मेरा रोज़ा भी है, तो ख्याल किया करें, चीज़ें साथ साथ चलती हैं। पाक स्टडी से अब तक जो है वो इस सीरीज़ में हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले एक लेक्चर मैंने रूट मैप पे रिकॉर्ड किया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इंपॉर्टेंट हैं और डिस्कस करने हैं। देन हमने उन क्वेश्चंस को बारी बारी अब स्टार्ट किया हुआ है। नंबर फर्स्ट पे हमने किया था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड अलामा मोहम्मद इकबाल। नंबर सेकेंड पर हमने क्वेश्चन किया था एड्रेस ऑफ इलाहाबाद 1930, अलामा इकबाल का जो एड्रेस था, खुतबा इलाहाबाद था। आज जो क्वेश्चन हमने करना है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आता होता है कि 1937 से लेके 1939 तक, ये जो 2 साल थे इनमें कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी वो इन पावर थी और उन्होंने मुसलमानों पे, जो कि सब कंटिनेंट पे मुसलमान रहते थे, मुस्लिम माइनॉरिटी थी, उन पे क्या क्या मुजालिम जो है वो किए, वो उनका बिहेवियर जो है वो हमने सारा आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ अलवी ला एसोसिएट्स विच इज़ हेयर ऑन द स्क्रीन। और मेंशन भी है यहाँ पे कि दीज नोट्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अलवी ला एसोसिएट्स बाय वजी एहसन अलवी सीईओ अलवी ला एसोसिएट्स। तो इनको आपने फॉरवर्ड नहीं करना है, इनको आप कहीं पे शेयर नहीं कर सकते हैं, और जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नज़र आता है उसको ग्रुप से भी रिमूव किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आज बढ़ते हैं। कहते हैं राइट अ डिटेल नोट ऑन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937 टू 1939, यानी 1937 से लेके 1939 तक की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन पे बात करनी है। एंड इनजस्टिस कमिटेड बाय देम टुवर्ड्स द मुस्लिम, और उन्होंने मुस्लिम्स की तरफ जो जो इनजस्टिस कमिट किया उनके बारे में बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इन द ईयर ऑफ 1937, 1937 में इंपॉर्टेंट इलेक्शंस टुक प्लेस इन इंडिया, इंडिया में बहुत अहम जो है वह इंतखाबात हुए। दीज इलेक्शंस लेट पीपल चूज देयर लीडर्स टू रन द गवर्नमेंट। इन इलेक्शंस में क्या हुआ कि लोगों को इख्तियार दिया गया कि अपने पसंदीदा नुमाइंदे जो है ना वो चूज़ कर लें। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड। इसके नतीजे में क्या हुआ, इस इलेक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि कांग्रेस जो एक जमात थी उनकी मिनिस्ट्रीज जो है वो बन गई। वेयर कांग्रेस पार्टी मेंबर बिकेम लीडर इन वेरियस स्टेट्स। तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो बड़ी सारी स्टेट्स में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नेंस की तरफ ये पहला स्टेप था, कह लें या सिग्निफिकेंट स्टेप था। इससे पहले तो गोरा ही रूल कर रहा था, अब लोगों को आज़ादी दी गई कि अपनी नुमाइंदे चुने। तो उसके नतीजे में क्या होगा, कांग्रेस के बहुत ज़्यादा लोग जो है इन पावर आ गए। अब कांग्रेस की जो इनजस्टिस थी उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो था उसको हम डिस्कस करते हैं कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग का क्या मैनिफेस्टो था। मुस्लिम लीग जो कंपैरेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस दौर पे मुसलमानों की कांग्रेस के अगेंस्ट, उसका मैनिफेस्टो क्या था, वो इंतखाबात में किस बात पे उन्होंने हिस्सा लिया था। वो कहते थे प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स। वो कहते थे कि हम जब आएंगे इकतदार में तो हम मुसलमानों के जो राइट्स हैं इसको प्रोटेक्ट करेंगे। नंबर सेकेंड पे ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। जिन जिन इलाकों में मुसलमान मेजोरिटी के अंदर हैं वहाँ पे सारी की सारी ऑटोनॉमी जो है वो इख्तियार जो है वो मुसलमानों को दिलवाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट। वो कहते थे कि मुसलमानों की जितनी भी तादाद है उसके लिए हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट करवाएंगे ताकि मुस्लिम नुमाइंदे ही जो है वहाँ से इलेक्ट होके आगे आ सकें। देन इनका था जी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस।
The manifesto called for equal opportunities and fair treatment for Muslims in matters of education, employment and economic development. तो जो भी education की facilities होंगी, जो भी economic development के हवाले से होगा, जो भी employment की facilities होंगी, उन सब में मुसलमानों को भी equal treatment जो है वो दिलवाया जाएगा. रिलीजियस फ्रीडम, मुस्लिम लीग का कहना था जी रिलीजियस फ्रीडम होगी, जो मुसलमान है उसको मुसलमान रह के अपने तमाम तर अकायद इबादत बिलीफ जो है वो प्रोफेस करने की इजाज़त होगी, जो हिंदू है उसको उसके अकायद में इजाज़त होगी, जो सिख है उसको अपने मामलात में इजाज़त होगी. कल्चरल आइडेंटिटी, दे साउट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स इंक्लूडिंग देयर लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस. यानी मुस्लिम लीग ने कहा कि हम जो मुसलमानों की लैंग्वेज है, इनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसको प्रोटेक्ट करेंगे. रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, द लीग यानी द मुस्लिम लीग एम्ड टू सिक्योर एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस. लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ करेंगे, यूनिटी एंड कोऑपरेशन के साथ चलेंगे. ये सारा मैनिफेस्टो था किस तरह मुस्लिम लीग का उस वक्त में, ठीक है. लेकिन खैर इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद जो फॉर्मेशन हुई गवर्नमेंट की, उसमें ज़्यादातर किसकी मिनिस्ट्रीज थी, कांग्रेस की थी. उसके बारे में पढ़ते हैं. कहते द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यानी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म कैसे हुई. As a result of provincial elections, the Congress was able to form its government in 7 provinces in which the Muslims were in minority. Yani elections ke baad natija jab aaya to jo Congress thi unhone 7 provinces mein jo hai wo apni government bana li jahan pe Muslims jo hai wo minority mein the. It refused to take Muslims in the ministries. Yani unhone kaha ji humne Muslims ko ministries mein nahi lena hai. The Congress rule opened a new chapter in the political history of India. The Congress ministry's policies were pro-Hindu and anti-Muslims. जितनी भी उन्होंने policies बनाई वो pro-Hindu थी, यानी सारी की सारी favor किसको दी थी, हिंदुओं को दे दी, and anti-Muslims और मुसलमानों के वो against थे. They did their best to crush Muslims. मुसलमानों को दबाने के लिए, crush करने के लिए उन्होंने हर बाजो था वो use किया Congress ministries ने. In the following headings, ये दर्ज ज़ैल headings में, we shall discuss the injustice and atrocities committed to the Muslims. यानी इन under heads में हम discuss करेंगे कि वो कौन कौन सी injustice थी जो कि Congress ministries ने मुसलमानों के against commit की. अच्छा जी, कहता during the period between 1937 and 1939, when Congress ministries were in power, there were instances of atrocities and injustices committed to the Muslims. यानी 1937-1947 में जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पावर में थी तो उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के साथ बहुत सारे इनजस्टिस किए. नंबर वन, कम्युनल राइट्स. कहता देर वर इंसिडेंट्स वेयर द कम्युनल राइट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वर नॉट रिस्पेक्टेड. यानी ऐसे मामला हुए कि जहाँ पे मुसलमानों के जो कम्युनल राइट्स थे वो उनकी रिस्पेक्ट ना दी गई, लीडिंग टू टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, जिसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान बड़ी झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, फसाद जो है वो पैदा हुआ. नंबर सेकंड है इंटरफेरेंस इन ऑफिशियल मैटर्स. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑलवेज इंटरफेयर्ड इन ऑफिशियल मैटर्स विच लीड्स टू द फेवरेटिज्म एंड अनफेयर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस. नंबर थर्ड पे है इनजस्टिस इन द कोर्ट्स. यानी कोर्ट्स के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस की, मुसलमानों को वहाँ पे भी दबाया गया. बैन ऑन काउ स्लॉटरिंग, यानी गाय को ज़िबा करने पे पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि वो पूजा करते थे और हम हमेशा से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो हम उसको पूरा करने के लिए ऑब्वियसली गाय को ज़िबा भी करते हैं, उसका गोश्त भी खाते हैं. तो मुसलमानों के साथ एक ज़्यादती ये भी की गई कि गाय की कुर्बानी पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई. देन है इनजस्टिस टू मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट जॉब्स. जो गवर्नमेंट की नौकरियां थी वहां पे मुस्लिम्स को सीट्स ना दी गई, उनको ज्वाइन करने के लिए मुसलमानों को राइट ना दिया गया. तो ये हेडिंग्स अगर याद होती हैं तो तीन तीन चार चार लाइनें आगे आप खुद देख सकते हैं, फिंगर टिप्स भी याद कर लेना है उनको. देन है कंपल्सरी आइडल वर्शिप. उन्होंने बुतों की पूजा को कंपल्सरी कर दिया कि आप लाजमी तौर पर इनके आगे जाके जय राम पता नहीं क्या होता है वो करेंगे ही करेंगे. कहता है रिपोर्ट्स ऑफ इम्पोजिंग कंपल्सरी आइडल वर्शिप प्रैक्टिसेस हैव इन्फ्रिंज्ड अपॉन रिलीजियस फ्रीडम एंड बिलीफ्स. अच्छा, देन है सल्यूट टू कांग्रेस फ्लैग. उन्होंने कहा जो हमारी पार्टी का जो झंडा है, कांग्रेस की पार्टी का जो, जैसे आप देखते हैं ना हर पार्टी का एक झंडा होता है, PMLN का अपना है, PTA का अपना है, पीपल्स पार्टी का अपना है. उन्होंने कहा जी कांग्रेस का जो झंडा है ना उसको आपने लाजमी तौर पर सल्यूट करना है, ठीक है. देन है
वंदे मातरम एज अ नेशनल एंथम, वंदे मातरम जो कि उनका एक अपना फेवर करता था सारा, उसको एंथम को ज़रूरी करार दिया गया कि स्कूल में जो असम्बली वगैरह भी होगी उसमें वंदे मातरम का, जो उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं दूसरे भी, उनको भी कहा गया था आपने पढ़। प्लेइंग बैंड्स बिफोर द मोस्क, मस्जिद जो थी उनके बाहर जो है वो बाजे बजाए गए। इस चीज़ से मैं आज थोड़ा सा करता होता हूँ कि आज भी हमारे घर मोहल्ले में भी कोई शादी हो तो हम नहीं देखते हैं कि यार मस्जिद है, अजान का टाइम है, नमाज का टाइम है, हम बाजे बजाते हैं। नॉर्मली आपकी जो डेज टाइम की शादियाँ हैं वो जोहर असर के टाइम हो रही होती हैं और बाजे बाज रहे होते हैं, और जो आपकी नाइट की हैं वो आपकी तकरीबन ईशा मगरिब में हो रही होती हैं और बाजे बाज रहे होते हैं। अक्सर मैंने खुद सुने हैं, मैं खुद नमाज पढ़ते हुए ये चीज़ फोकस की है, तो फिर फ़र्क क्या रह गया, ये हमें सोचना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स, जो होली थिंग्स थी हमारी उनमें बड़ी डिसरिस्पेक्ट जो है वो करते थे ये। वारदा स्कीम्स, वर्दा स्कीम्स कहते, सम पॉलिसीज और स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड इन द वर्दा रीजन लेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पार्टीज। मुस्लिम मैस कॉन्टेक्ट मूवमेंट है और देन इसका कंक्लूजन है। तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ इनजस्टिसेस बताई हैं जो कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कमिट की टूवर्ड्स मुस्लिम्स वायलेंट पावर। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।